दिल तो आखिर दिल है ना, छोटी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया। तो वैसे ये मामले में मैं फरहान अख्तर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब भाई ने हर जगह पे हाथ डाला है, मतलब जो जो पसंद सब कुछ किया है। कभी सोचा नहीं कि यार लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं 50 चीज़ कर रहा हूँ क्या। डायरेक्शन किया, मेरे को नहीं लगता है 2001 क्या 2002 में कोई उसके मूवी को अब तक टक्कर दे सकता है, मतलब मेरे हिसाब से। प्लीज़ गाइस, सृष्टि ने सृष्टि वहाँ पे नहीं गए, कहाँ पे जो भी, ये नाम नहीं लूँगा मैं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको तैयार करते हैं, बोलते हैं हम आपको ग्रूम करेंगे और आपसे पैसे मांगते हैं, 2 लाख 3 लाख, पता नहीं वो वर्थ इट रहेगा, लेकिन एज ए मिडिल क्लास फैमिली आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो उसने नहीं दिया था गाइस। गाइस मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस। इट्स 4:50 AM इन द मॉर्निंग। फटाफट तैयार होके रनिंग के लिए निकलना है। उससे पहले पहले अभी जाके फ्लश करके जो भी है पेट खाली करके आया, और अभी रखा है वहाँ पे तैयार नीम का पत्ता, 2 लीव्स नीम का 2 पत्ता, ठीक है। अखा ये मिलता रहेगा आपको, क्या बोलते हो उसको यार, क्या बोलते दुकान में लेने के टाइम पे, बहुत सारा पत्ता है तो उसमें 2 पत्ता निकालना है, और फिर हल्दी थोड़ा सा फूल वाले के पास मिलता है, अच्छा। और हल्दी मिक्स करना है, हल्दी में थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा, ताकि वो बॉल्स बन सके थोड़ा सा, और वो बॉल्स को डाल के फिर 2 पत्ता, और फिर च्यू करके, बहुत मुश्किल हो तो पानी से फिर निकल लो, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये कितना प्रिटी है, तो पता नहीं आपको इसका पेटल्स कितना दिख रहा है गाइस। तो अभी अभी किसी को इसका पिक भेजा है मैंने, गुड मॉर्निंग बोल के, फ्रेंड है। तो कैसा लगा गाइस कल का पॉडकास्ट सृष्टि के साथ? आई होप आप सबको कल का पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। कल का नहीं, शायद परसों का, जब ये व्लॉग आएगा तो आपको लगेगा परसों का, क्योंकि एक दिन पहले का व्लॉग मैं नेक्स्ट डे डालता हूँ, वैसा सीन है, ठीक है। तो ये व्लॉग परसों आएगा, क्योंकि 1-2 व्लॉग पीछे है, मैंने शूट किया है मोस्टली, मोस्ट प्रॉब्ली परसों या कल, जो भी है। तो बहुत ही पॉडकास्ट में उसने बोला है गाइस सृष्टि ने, कि अगर किसी को भी, खास करके नहीं मैं आई एम टॉकिंग टू ऑल दी लेडीज़ एंड जो भी टीनेजर्स है उनसे मैं बात कर रहा हूँ गाइस, कि किसी को भी अगर जानना है कि अबाउट कैबिन क्र्यू, अबाउट इंटरव्यूज, अबाउट डोमेस्टिक इंटरव्यूज, इंटरनेशनल दोनों के बारे में, तो आप लोग जान सकते हो। और प्लीज़ गाइस, सृष्टि वहाँ पे नहीं गए, कहाँ पे जो भी, ये नाम नहीं लूँगा मैं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको तैयार करते हैं, बोलते हैं हम आपको ग्रूम करेंगे और आपसे पैसे मांगते हैं, 2 लाख 3 लाख, पता नहीं वो वर्थ इट रहेगा, लेकिन एज ए मिडिल क्लास फैमिली आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो उसने नहीं दिया था गाइस, बट वो तो जैसे कि वो बोलती है कि आई एम वर्किंग इन वर्ल्ड्स लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसको नाम लेना अलाउड नहीं है, ठीक है, गूगल कर दो। तो वो वहाँ पे काम कर रहे, राइट, इट्स नॉट अबाउट बोस्टिंग, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो, उसको मिल सकता है विदाउट एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए बिना, सीधा उठ के उसने अपने सिस्टर का फॉर्मल्स पहन के गए थे वो इंडिगो के लिए, डोमेस्टिक के लिए, बाद में इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं अभी। तो ज़रूरत नहीं है गाइस आपको, राइट, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो तो इन्वेस्ट मत करो, सीधा जाओ, जो हो वो दिखाओ। अगर देहाती हो आप, अगर आप गांव वाले हो तो आप दिखाओ कि मैं गांव वाला हूँ या मैं देहाती हूँ या फिर जो भी है, ठीक है। बी योरसेल्फ गाइस, अगर आप वो हो तो आप बेस्ट हो, बेस्ट वर्जन हो आप, मतलब रियल रहो सब जगह। अगर आपको वहाँ पे उनको, अगर आपका ज़रूरत रहेगा तो आपको लेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो ये नहीं है कि आप बुरे हो या फिर यू आर नॉट गुड, बस ये है कि आपका जो स्पेशलिटी है वो उन लोगों को नहीं चाहिए, कहीं किसी और को चाहिए, समझ रहे हो? तो खुद को ब्लेम मत करो रिजेक्शन के बाद। ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया,
तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो वैसे ये मामले में मैं फरहान अख्तर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब भाई ने हर जगह पे हाथ डाला है, मतलब जो जो पसंद सब कुछ किया है। कभी सोचा नहीं कि यार लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं 50 चीज़ कर रहा हूँ। क्या डायरेक्शन किया, मेरे को नहीं लगता है 2001 क्या 2002 में कोई उसके मूवी को अब तक टक्कर दे सकता है। मतलब मेरे हिसाब से कोई उससे आगे भी नहीं, अगर कम नहीं है तो दिल चाहता है गाइस। उसने डायरेक्ट किया था और उसके बाद में वो मूवी, दैट मूवीज एवरग्रीन, या फिर बोलते ना कि कल्ट सिनेमा। बॉलीवुड को उसने रीडिफाइन किया फरहान अख्तर ने। उसके बाद में सिंगिंग करता है बंदा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है मूवीज़, और क्या करता है, राइटिंग करता है, एक्टिंग करता है गाइस। तो ऐसे लोग मेरे इंस्पिरेशन है गाइस कि मतलब ऑल इन, मतलब घुस जाओ साला, जो भी तुम्हारा पैशन है सबके अंदर घुसो, सब में एक्सप्लोर करो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाओ, कर करके फिर ही तो मास्टर बनोगे। ऐसा थोड़ी है कि फरहान अख्तर फेल नहीं हुआ है। उसको तो बहुत लोग बोलते, वो एक इंटरव्यू में बताया था उसने कि मेरे को बोलते लोग कि मेरा जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है कि मतलब वो अलग वाला आवाज़ बोलते ना वैसा वाला कुछ, तो उसको नहीं फ़र्क पड़ता, वो गाता है। ही इज़ नॉट दी बेस्ट सिंगर, रहमान नहीं है वो, लेकिन जब वो गाता है तो दिल से गाता है तो लोगों को पसंद आता है। रॉक ऑन में उसने बहुत तगड़ा म्यूज़िक था, बहुत तगड़ा गाना था, राइट। तो उसका है एक ऑरा है गाइस। भाग मिल्का भाग उसका वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस था, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, बहुत सारा मूवीज है। डॉन है, डॉन 2, दिल चाहता है। तो यार मल्टी टैलेंटेड बंदा, और उसने मल्टी टैलेंटेड क्या, उसने एफर्ट्स डाला है, हर चीज़ में घुसा है, ऑर्डिनरी खेलने नहीं गया, राइट। ऑर्थोडॉक्स खेलने नहीं गया कि मेरा डैडी राइटर है तो मैं भी राइटर बनूंगा या मैं एक चीज़ पकड़ के चलूंगा, नहीं, उसने रिस्क लिया है। 2001, इट्स 2020 गाइस, 15 साल 16 साल, 2016 तक 2015 तक उसने डायरेक्शन में काम किया, प्रोड्यूसर में, सिंगिंग में। उसके बाद में शायद मेरे साथ 16-17 में भाग मिल, पता नहीं 15 में था क्या भाग मिल का बाद, उसके बाद एक्टिंग में आया 16 साल बाद। तो बार बार रीडिफाइन करना चाहिए अपने को, खुद को, मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। आप बताओ कि आपको क्या लगता है गाइस, कि ऐसा कुछ है क्या कि 40 साल हो गया तो ख़त्म हो जाता सब कुछ, फिर बैग पैक करने का चालू करने का, ऐसा कुछ नहीं है ना। 40 साल के बाद भी कुछ नया हॉबी ले सकते हैं, नया चीज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, खुद को लिमिट मत करो किसी और के ओपिनियन के वजह से। जिसको जो बोलना है बोलने दो गाइस, हंसो आप लोग, स्माइल करो, लड़ने मत बैठ जाओ किसी के साथ, आपका ही एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। दिल तो आखिर दिल है ना, छोटी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया दिल से रे। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, छोटी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। Da 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 ri ri da 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 ri ri da da ri ri da da chik 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 da da ri ri da da ri ri da 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 ri ri da da ri ri da da chik 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 khatam। तो आज थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ गाइस यहाँ से, ओके। तो बच्चे आए नहीं आज ट्रेनिंग के लिए, उठे नहीं लगते, क्या पता क्या हो गया। मैं तो गया था ऑनलाइन, वो नहीं आए, वेट किया। तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ यार, कोशिश करता हूँ ऑप्टिमिस्टिक रहने का, कभी कभी नहीं हो पाता। तो मैंने जो मेरा बाल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं साइड से मशीन मारता हूँ, वैसे कम रखता हूँ बाल साइड से, ऊपर वाला बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉल किया मैंने, जो मेरा बाल काटता है, मतलब जो बंदा है वो, उसको मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ, आर्टिस्ट मास्टर पीस या फिर जो भी है वो, मतलब
आर्टिस्ट है यार वो, अलग लेवल का। तो उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेना भी चाहिए उससे अपॉइंटमेंट, वो डिजर्व करता है वो चीज़। कॉल करके जाना पड़ता है, वो ऐसे ही आप जाओगे तो नहीं काटेगा वो आपका बाल। तो मेरा जो बियर्ड और जो ये है हेयर है वही करता है। तो अभी उससे बात हुआ, सो इट्स 8:45 का अपॉइंटमेंट है, 10 मिनट में पहुँचना है, तो निकल रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है मेरा, तो मेरे व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो गाइस जो भी आपका थॉट्स है, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस आज कल व्लॉग देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।